ये तरीका ठीक नहीं। अरे अरे बादी थानी कहीं घोड़े कहीं आराम मेरी बात वाड़ी के पत्रकार हैं, उनको किस वजह से यहाँ पर लाया गया था? नहीं, हमने वो कल जो मुकदमा दर्ज हुआ है 231 नंबर, ये पेपर बाहर निकाल के नकल करने का प्रयास जो किया था उसमें बयान लेने के लिए नोटिस भेजा था और उसमें बयान लेने के लिए ही हमने उनको बुलाया था। नोटिस भेजा था और पुलिस पकड़ के लेके आई है एक अपराधी की तरह, ऐसी क्या वजह थी सर? कैंटीन से उठाना, कैंटीन जगह से उठाना, किस तरीके से? मतलब ये आप बयान लेना है? हमने सिर्फ नोटिस भेजा था। नोटिस के साथ कैंटीन का, कैंटीन का जबरदस्ती उठाते हुए का? नहीं, वो मुझे ध्यान नहीं सर। इस प्रकार की अगर आम आदमी अगर कोई जानकारी देता है उसी को भी है, मतलब आप इसे जिसको जानकारी है, जो कोई भी विटनेस है किसी हमारे प्रकरण में, तो उसे तलब करने का हमें अधिकार है। इसीलिए हमने 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस भेजा था। नोटिस उसी समय आएगा, आतंकवादी नोटिस दिया ही नहीं था, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया। नोटिस देने वाले भी गिरफ्तार नहीं किया हमने, गिरफ्तार नहीं किया। प्रशासन का फेलियर है कि नकल रोकने में और पेपर लीक करने में नाकाम रहे, और एक पत्रकार को उठाना कहाँ तक सही है सर? नहीं, हमने एक विटनेस को सिर्फ बुलाया था, किसी को उठाया नहीं। चलो ठीक है। प्रेमदानी, आपको अभी पुलिस जबरदस्ती उठा के लेके गई, क्या मामला था, क्यों उठा के ले गई? देखिए, कल बाड़मेर पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी कि द्वितीय श्रेणी पेपर का शुरू हुआ था, उसके कुछ ही देर बाद में एक व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास पेपर आता है, उसकी मैंने जिला प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बाद में जैसे ही उस खबर को मैंने चलाया, उसके बाद में क्योंकि पुलिस व प्रशासन की जिस तरीके की नाकामयाबी मैंने उजागर की, तो उससे वो बौखला गए, और उसके बाद में उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपका सोर्स बताओ, आपको किसने भेजा, क्योंकि पत्रकारिता एथिक में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप अपने सोर्स का नाम बताओ। तो मैंने उनको मना किया, मैं सोर्स का नाम नहीं बता सकता, आप अपने चैनलों से पता करवाए। तो उससे वो लोग नाराज हुए, और कलेक्टर ने और एडीएम ने साफ तौर से कल ही मेरे को कह दिया था कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। मैंने कहा मैं मुकदमा का सामना करूंगा, लेकिन मैं मेरे किसी भी सोर्स का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पत्रकारिता के लिए काला दिन होगा जिस दिन मैं मेरे सोर्स का नाम बताऊंगा। आप जहां बैठे थे, जिस तरीके से